सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और मेरे चैनल का नाम है आनंद जी ब्लॉग। मज़ा आता है आपको, मुझे पता है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मॉस्को में हूँ, रशिया मॉस्को। और यहाँ मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ का मैं नज़ारा आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं, ये आइस स्केटिंग कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं आइस स्केटिंग का। और उसी के साथ साथ में अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर बर्फ का ढेर लगा हुआ है और बर्फ है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो पीछे बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग चमक रहा है। मतलब हर एक जगह जहाँ नजर जाएगा आपका वहाँ सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने मस्त तरीके से स्केटिंग कर रहे हैं। जिनको आइस स्केटिंग करना है वो सभी लोग आनंद ले रहे हैं और स्केटिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस ठंडे में स्केटिंग बहुत शानदार होता है, बहुत मज़ा आता है स्केट करने में। हालांकि स्केटिंग मुझे भी आता है लेकिन आइस स्केटिंग कभी ट्राई नहीं किया हूँ। मज़ा आएगा। उस साइड में आप देखेंगे तो वो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, वो कितना ज़बरदस्त दे रहा है लुक। और यहाँ आप देखेंगे तो ये है रॉकेट, और ये रॉकेट है लॉन्चिंग होता है, यही रॉकेट है जो ऊपर जाता है। कितना शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया इसको, और हालांकि ये ओरिजिनल है। और सामने वहाँ देखेंगे तो वहाँ एक प्लेन नज़र आएगा आपको, खड़ा प्लेन जिसको सजाया गया है। वहाँ दूर में एक टीवी टावर नज़र आ रहा है, बहुत ऊँचा है और टॉप फ्लोर पर, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ से बहुत दूर है लेकिन फिर भी इतना नज़दीक दिख रहा है वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो स्केटिंग कर रहे हैं और मज़े में स्केटिंग कर रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि शानदार जो है वो नज़ारा आप लोग को दिखाई देता है। अगर मैं बर्फ़ की बात करूँ तो आप लोग को अगर दिखाने का कोशिश करूँ कि बर्फ़ जो है वो कैसा है यहाँ का, तो इस बर्फ़ को हम लोग हाथ में भी ले सकते हैं और ये हाथ में लेने के बाद में कुछ ऐसा बन जाता है। और इसको गोल कर सकते हैं अपन लोग, गोल करने के बाद में फिर इसको फेंक भी सकते हैं, जैसे आइस के साथ खेल सकते हैं हम लोग। और फेंकने के बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ, तो आई होप कि आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और पीछे का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। ये सभी के सभी नज़ारे जो हैं वो आप लोग तो देख पा रहे हैं पीछे में। मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और चलने के बाद में फिर आगे लुत्फ़ उठाते हैं रास्ते का, कि क्या है कैसे है वो सब कुछ देखेंगे जानेंगे। और अब रात हो चुकी है, यहाँ तो घर की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि रात यहाँ पता नहीं चलता। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बच्चे ऐसे मस्ती करते हैं यहाँ और ऐसे बर्फ़ के ऊपर लौटते हैं। हमारे यहाँ तो भाई वाल पर बच्चे लौटते हैं गाँव में और मस्ती करते हुए, खूब आनंद लेते हुए। लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं। और मैंने आपको दिखाया रॉकेट, वो ओरिजिनल रॉकेट है और असली का रॉकेट मैंने आपको दिखाया। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ कि ये है वो ओरिजिनल हकीकत का रॉकेट जो मेरे सामने है, और यही लॉन्चिंग होता है, इसी से लॉन्चिंग होता है। काफ़ी भारी भरकम रॉकेट आप देख सकते हैं और लोग जो है वो स्केटिंग करते हुए। अभी हम लोग घर की तरफ बढ़ेंगे और आपको अगर मैं पीछे दिखाऊं तो ये साहब हैं जो मज़े कर रहे हैं और बच्चों के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ऐसी ही लाइफ जो है यहाँ की है, यहाँ ऐसी ही लाइफ मिलती है और मस्ती में लोग जीते हैं, मज़ा करते हैं। फिलहाल मेरी जो बात है, मैं इंडिया के लिए गोरा हूँ लेकिन यहाँ के लिए मैं सांवला हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही गोरे गोरे लोग हैं। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आप सांवले हो, कहाँ से हो, मुझे आश्चर्य हुआ। हालांकि मैं बताया कि इंडिया से हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं लोग। और ये आप देखिए, ये एक नज़ारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं अभी रशिया मॉस्को में हूँ और घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। घर बढ़ने के बाद भी यही मज़ा होता है यहाँ कि हर जगह आप लोग को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इस सेक्शन में आप
लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। यहाँ हमेशा ऐसे ही बर्फ हमेशा होता है और लोग भी ऐसे ही हमेशा होते हैं और ऐसे ही लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। खूबसूरती हर एक जगह पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी और हर जगह पर यही नज़ारा भव्य देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही पार करते जा रहे हैं और बीच बीच में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप लोगों को। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर है जो ओरिजिनल है, ऐसे कोई बनावटी नहीं है, ये ओरिजिनल हेलीकॉप्टर है जो मिलिट्री का है। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड और उसके बीच में हम लोग ऐसे ही आनंद ले रहे हैं और लोग जो है स्केटिंग करते करते गिर भी रहे हैं। हालांकि मैं भी गिरा हूँ और काफ़ी ज़्यादा गिरा हूँ, कभी कभी सचिन भी जीरो पर आउट होता था भाई। तो जब मैं नेशनल खेलता था और स्केट्स में तो मज़ा आता था और गिरने का अलग अंदाजा, गिरने का अलग आनंद आता है स्केट्स में। और खास करके अभी तो मॉस्को में हम लोग हैं और मस्ती कर रहे हैं। मस्ती क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइफ जो है ना वो मस्ती वाली ही है कि यहाँ घूमते रहो और मस्ती करते हुए घर चले जाओ, फिर मस्ती करते हुए बाहर आ जाओ, वही लाइफ है यहाँ हर एक चीज। यहाँ से आपको हर एक चीज देखने को मिल रहा है। मैं सोचा कि एक व्यू यहाँ से भी दिखा दूं आप लोगों को। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भव्य नजारा आप लोग को देखने को मिला, इसलिए मैं सोचा एक बार दिखा दूं। शानदार शहर और हर जगह खूबसूरती मैं आप लोग को लगातार दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और आई होप कि आप लोग भी आइए यहाँ और उसके बाद में शहर को समझिए। और हाँ, यहाँ का अगर भाषा आपको आता है ना तो फिर मज़ेदार, फिर पूछना ही नहीं है भाई अगर आपको लैंग्वेज आता है यहाँ का तो। और मुझे जहाँ तक पता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिन्हें भाषा आती होगी, जो इंटरेस्टेड होंगे और रशियन सीखे होंगे, वो उनकी तो पहली ख्वाहिश है ना वो रशियन आने की, क्योंकि उन्होंने उनको भाषा आती है भाई। और कहीं के लिए ये सबसे बड़ी बात है, कहीं के लिए भाई, कि अगर आपको भाषा आती है तो फिर वहाँ का जनजीवन जो है वो आसान हो जाता है आपको। और हम लोग लगातार जा रहे हैं घर की तरफ, बढ़ रहे हैं और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। और हर एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, जगह अच्छा है और एंजॉय कर रहा हूँ। अभी रशिया में हुए, बाकी का मैं भारत आऊँगा, जल्दी आप लोगों से मुलाकात करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे भारत से बाहर और मुझे अब अपने देश भी आना है, तो मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। मैं चारों तरफ आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये है वीके कॉन्टैक्ट, यहाँ का रशिया का फेसबुक है ऐसा मान सकते हैं। और इसके अंदर भी जाएंगे दूसरे दिन, देखेंगे समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। और ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा फिसलनदार है, बर्फ जो है वो गली हुई है, लोगों के चलने से तो बर्फ फिसल रही है। और बाकी का ये सीन आप देख सकते हैं पीछे में। और हम लोग आए हैं उधर से, ये रशिया का नाइट लाइफ जो है वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अब बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रशिया में हैं और नाइट लाइफ का इंजॉय कर रहे हैं। आप इस साइड में देख सकते हैं, इधर का ये जो नज़ारा है ना ये काफ़ी शानदार प्लेस है। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर हम लोग बढ़ रहे हैं, इधर जाना है हम लोगों को। और अगर मैं इस साइड की बात करूं तो इस साइड का नज़ारा बर्फ बर्फ के साथ में, पब्लिक पब्लिक के साथ में हम लोग, तो इंजॉयमेंट जो है ना वो चल रहा है और लगातार मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और साथ साथ में मुझे नीचे ध्यान दे करके चलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलनदार जगह है।
एक्चुअल में होता क्या है ना कि आप बगल में देख रहे हैं कि ये बर्फ जमी हुई है ये सभी के सभी, और नीचे जो हम लोग चल रहे हैं ना, तो लोगों के चलने से बर्फ जो रोड पर गिरी हुई है वो उनके फ्रिक्शन से गल जाती है। और फिर होता क्या है कि जब वो गलती है ना तो ठंड के कारण वो फिर से जमने लगती है, इसलिए वो क्या है ना कि स्मूथ हो जाती है वो बार बार ऐसे होते होते, और उसके बाद फिसलती है। तो गिरने के बाद भाई ना हाथ पर जो है वो खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि टूटने के बाद फिर से वो जम जाएंगे क्योंकि ठंड बहुत तगड़ा आएगा। जब पानी जम जाएगा तो ब्लड में भी तो पानी है तो वो जम जाएंगे। अभी मैं फिसला तो मैं गिर सकता था। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और नीचे में बर्फ ही बर्फ आप देख पा रहे हैं, और हम लोग अब सामने वो लगी है वो ट्राम जा रही है, सामने में ट्राम चल रही है वो सारी, ऊपर में मोनो रेल चलती है, तो मजा आ रहा है। तो कुछ ऐसा है मॉस्को का नाइट लाइफ, और ये नाइट लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है भाई। मैं घूमते रहता हूँ और घुमाते भी रहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग भी ये जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, तो ये एक सुखद पल होता है मेरे लिए कि आप लोग प्यार करते हैं और इंतज़ार करते हैं हमारे वीडियो का, फिर मुझे कमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, भाई साहब मज़ा आ जाता है जब मैं अपना जब व्हाट्सअप चेक करता हूँ तो उस पर सभी लोग जो हैं वो धन्यवाद करते हैं और ये बोलते हैं कि अच्छा लगा, तो खुशी मिलता है मुझे। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्राम आएगी, ट्राम आने के बाद में, और मैंने नाम लिया ऐसे ही ट्राम से, यहाँ चलते हैं, ट्राम ऐसे ही आएंगी जाएंगी और फिर हम लोग वो बैठेंगे आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और ये ट्राम आई, ट्राम आने के बाद में जिम को जाना होगा, वो नंबर से चलते हैं 11 नंबर ट्राम, तो ये 11 नंबर ट्राम जिनको जाना होगा वो 11 नंबर पर बैठेंगे और निकल जाएंगे। ये जो है ना ये ट्राम की लाइन है, और ये ट्राम का स्टॉपेज है, यहाँ पर हम लोग रहेंगे, इंतजार करेंगे, ट्राम आएगी और निकल जाएंगे, और ऊपर में वो जो देख रहे हैं ना वो मोनो रेल के लिए, वहाँ से मोनो रेल चलती है, नीचे से ट्राम और उसके नीचे में मेट्रो है अंडरग्राउंड, यहाँ से मेट्रो, इधर ट्राम और ऊपर में मोनो रेल, और इस साइड की अगर बात करें तो इस साइड में रोड है जहाँ की ट्रांसपोर्ट वगैरह चलता है, और मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया है, वो जो है वो लंबा सा ऐसे जा रहा है और लास्ट में जाकर के ये देखिए मेरे उंगली के ऊपर वहाँ रॉकेट बना हुआ है, और वो ये एक म्यूजियम है, वो दर्शाता है कि सबसे पहले जो रॉकेट जो है वो यहीं से लॉन्च हुआ था, और तो इसीलिए उसको सीधा लॉन्च किया गया और ऊपर तक लेकर के किया गया है। मज़ेदार सीन है भाई, लाइव देखने पर और ज़्यादा मज़ा आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले बोर्ड है, मुझे नहीं लगता कि क्लियर दिख पा रहा होगा क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है कैमरा के अंदर, हालांकि ऐसे नहीं कर रहा है। यहाँ टाइम शो होता है प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर नंबर और मिनट ये शो होगा, और उतने मिनट में वो ट्राम जो है वो आ जाएगी। अभी देखिए एक ट्राम आ रही है, और वो पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं आप लोग को, ये ट्राम आ रही है और जिनको जाना होगा वो जाएंगे, बाकी के दो मिनट में हमारी वाली आ जाएगी, हम बैठेंगे और निकल जाएंगे बैठ करके। तो ये ट्राम आ चुकी है, यहाँ जिनको जाना होगा इस पर बैठेंगे और वो निकलेंगे, और ये जो ट्राम है ये निकल गई यहाँ से, बाकी का फिर अभी से दो मिनट बाद हमारी वाली आएगी। अब एक मिनट बचा है, एक मिनट में हमारी वाली आ जाएगी, और फिलहाल मज़ा आ रहा है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत माहौल बन जा रहा है भाई,
बस देखिए मत, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए वीडियो को, क्योंकि सदस्य बढ़ेंगे तो उतने दर्शक देखेंगे और जितने भी अपने सदस्य बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि परिवार जब बड़ा होता है ना तो ज्वाइंट फैमिली का मज़ा ही कुछ और है भाई।